सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट्स, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, लगभग लगभग 3 से 4 मार्क के लिए हमेशा ये पूछा जाता है। आईयूपीएसी नेम किधर ना किधर तो आता ही है, ठीक है, किधर ना किधर तो आपको आईयूपीएसी नेम दिख ही जाएगा। आपको उसके बारे में बात करनी है या फिर आपको उसके बारे में लिखना है, वो चीजें। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम इनको जो कहते हैं ना, सबसे पहले तो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय कार्बन कंपाउंड्स? कार्बन कंपाउंड्स मतलब कि स्टूडेंट्स, उनके अंदर कार्बन का अस्तित्व होता है, और कार्बन कंपाउंड्स में ही और एक चीज होता है जिनको हम एज अ हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, जिनको हम एज अ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अल्केन। अभी अल्केन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कि जब दो कार्बन एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना लाला, तब उनके अंदर होता है सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड को हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं हम अल्कीन, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा अल्काइन। अल्कीन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इतना तो आई होप सबको मालूम होगा। अभी स्टूडेंट्स, इनके जनरल फॉर्मूलेज भी होते हैं, मतलब कि अल्केन का जीएफ भी होता है। अभी आप बोलोगे भैया जीएफ मतलब क्या? जीएफ मतलब इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? एज अ जनरल फॉर्मूला हम इनको कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स, आप बोलोगे भैया अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। बहुत सिंपल है ये, ठीक है, CnH2n+2। अल्कीन का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा CnH2n, ठीक है, अल्कीन का, ओके, CnH2n। और अगर भैया अल्काइन का बताए, ठीक है, लाला लोग अच्छे से ध्यान देना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, CnH2n-2, ठीक है। सो दिस आर द जनरल फॉर्मूला। दैट मीन्स हमको पहले ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है। अल्केन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, वो सैचुरेटेड में आता है। सैचुरेटेड मंजे की मतलब कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन जो होता है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम को भैया प्यार से नामकरण कहते हैं। अभी नामकरण मतलब क्या? अच्छे से समझना, अच्छे से सोच समझ के देखना वीडियो को, और नोट्स बनाते चलो। नॉमन क्लिएचर हम उसको कहते हैं स्टूडेंट्स। नॉमन क्लिएचर भी होते हैं दो प्रकार के, ध्यान से सुनना। नॉमन क्लिएचर इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, कमेंट्स में बाद में देखूंगा, पहले एकदम अच्छे से देख लेना जितने भी बच्चे देख रहे हैं। नॉमन क्लिएचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो भाई होता है जो जो सभी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं आईयूपीएसी नेम, और जो दूसरा होता है उनको हम कहते हैं एज अ कॉमन नेम या फिर ट्राइवियल नेम हम उनको कहते हैं। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से सोच समझ के देखना वीडियो को, बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपके, बस आराम से देखो वीडियो को, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को नोट डाउन करते चलो, ठीक है, उन चीजों को क्या करते चलो, नोट डाउन करते चलो। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो और सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। अभी कॉमन नेम हम सबसे पहले देखेंगे, कॉमन नेम पे भी क्वेश्चंस आते हैं हमको, ठीक है, कॉमन नेम्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी कॉमन नेम में भी होता है, एक होता है नॉर्मल नेम और एक होता है आइसोमी नेम। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक से देखो। अगर सपोज भैया ने एक आधा एग्जाम्पल ले लिया, फर्स्ट वाला, यहां पे मैंने लिख दिया C4H10, मतलब 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। यहां पे लगे को लिख के देता हूं मैं,
कार्बन की जो वैलेंसी होती है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है चार। मतलब कार्बन क्या होता है स्टूडेंट, चार वैलेंसी होती है, मतलब एक जो कार्बन होगा उसको चार लोग आजू बाजू में जुड़ सकते हैं। तो देखो चार कार्बन है, तो भैया पहले चार कार्बन निकालेंगे, एक दो तीन चार निकल गया। ओके अभी स्टूडेंट्स यहां पे सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो, दे दिया बोलना भैया। अभी स्टूडेंट्स 10 हाइड्रोजन हमको बनाने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर क्या कर देना, सब तरफ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन लगा दिए भैया ने सब तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप बोलोगे भैया कार्बन को चार कैसे हो रहा है, देखो एक दो तीन चार, फिर वापस से ये वापस गिनना, एक दो तीन चार, फिर ये वापस से गिनना, एक दो तीन चार, फिर वापस से ये गिनना, एक दो तीन चार। मीन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि हर एक कार्बन को एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और या फिर हर एक कार्बन को चार वैलेंसी हो रही है, मतलब हर एक कार्बन के आजू बाजू में कितने कितनी है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, चार लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं अभी यहां से कट कर दे रहा हूं जिससे कि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके आई होप स्टूडेंट्स यहां तक सबको क्लियर होगा। अभी स्टूडेंट्स इसको भैया और कैसे लिख सकते, देखो ये तो हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसको कंडेंस फॉर्मूले में देखो, CH3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH3। तो व्हाट विल बी द कंडेंस फॉर्मूला फॉर दिस, इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH3। क्या सबको समझा? ओके अभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखो, इन चीजों को ध्यान में रखो, जिसमें एक कार्बन होता है उसको हम कहते हैं मीथेन, फिर आता है इथेन, प्रोपेन, फिर आता है ब्यूटेन, पेंटेन, फिर आता है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और लास्ट वाला जो 10 कार्बन वाला होता है वो होता है डिकेन। ठीक है, दो तीन चार पांच छ सात आठ, इधर आया 9 और इधर आया 10 कार्बन वाला डिकेन। ओके अभी स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां पे कितने कार्बन है, चार। तो चार कार्बन है मतलब कि इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका नाम हो गया विच इज ब्यूटेन। लेकिन स्टूडेंट्स बस ब्यूटेन हम इसको नहीं कहते, देखो स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट चेन में है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन में है, तो इसके आगे हम उसको लगाएंगे एन ब्यूटेन। मतलब कि जो भी स्ट्रेट चेन में होगा, जो भी स्ट्रेट चेन में होगा उसको हम क्या लगाएंगे, उसको हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, मतलब कि नॉर्मल वाला लगाएंगे हम उसको। क्या सबको समझ गया ये? यस एक बार चैट में लिखो यस 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 करके और फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, यस क्लियर है, क्लियर है। क्या बात है। अभी स्टूडेंट्स मैंने जैसे बोला कि ये हो गया नॉर्मल वाला, अभी स्टूडेंट्स इसी CH3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH CH3 और CH3। देखो स्टूडेंट्स इसमें भी कार्बन एक दो तीन चार, इधर भी कार्बन चार है, तीन अंतिम छह सात और 10, इधर भी हाइड्रोजन 10 है, लेकिन स्टूडेंट्स ये ऊपर नीचे है, इसको हम कहते हैं एज अ ब्रांच्ड, इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर ब्रांच्ड आया और चार कार्बन दिखे तो उसको लिखने का आइसोब्यूटेन। क्या सबको समझा? ओके और अगर स्ट्रेट चेन आया और उसमें चार कार्बन दिख रहे हैं तो उसको बोलने का नॉर्मल ब्यूटेन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, आई स्टैंड्स फॉर आइसो, आई को आइसो को आप आई ब्यूटेन भी कह सकते हो। क्या सबको समझा? ओके उसी प्रकार से अगर मैंने ऐसा दे दिया 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट्स आपको समझ जाना, और आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिया है CH3 CH2 CH CH3
और सी एच थ्री। अभी देखो, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, पांच कार्बन कंफर्म। 12 हाइड्रोजन के देखो, तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ, नौ और नौ और तीन 12, मतलब 12 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये कितने हो गए, ये हो गए पूरा सेटिस्फाई। लेकिन स्टूडेंट्स ये कौन सा है, बी वाला है या सॉरी आई वाला है या फिर एन वाला है, मेरे को बोलो। पेंटेन तो समझ गया, भैया ने बोला पांच कार्बन, पांच कार्बन मतलब पेंटेन आना, तो लास्ट में ऐसा पेंटेन लिखने का, लास्ट में ऐसा पेंटेन लिखने का। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे को बताओ, मेरे को बताओ ये कौन सा वाला होगा, आई वाला होगा या फिर एन वाला होगा? ये होगा आई वाला। क्यों स्टूडेंट्स, वाई? बिकॉज इट इज एन ब्रांच्ड चेन। क्या अभी सबको समझ में आया? टू पीएसी नेम पे, ठीक है। प्लीज बच्चा लोग, मेरे सभी से निवेदन है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे अभी यहाँ पे आ चुके हैं पूरा वीडियो देखो भाई, ठीक है। लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तभी भी चलेगा भैया को, लेकिन वीडियो देख के जाओ, क्योंकि स्टूडेंट्स आईयूपीएसी नेम इससे ज्यादा क्लियर आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं लाइव आपको सभी चीजें सॉल्व करके बताऊंगा। तो भाई अगर मेरे छोटे भाई बहन सुन रहे होंगे, आप कान खोल के सुन लो, बुक पेंसिल निकाल के बैठो, क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ खतरनाक चीजें होने वाली है, बहुत ही सही चीजें होने वाली है आप सभी के लिए। तो प्लीज ध्यान से देख लेना, ठीक है, वीडियो को अच्छे से समझ लेना और सोच समझ के चीजें करना, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार। ओके देखो अच्छे से समझना अभी, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स आईयूपीएसी नेम, ठीक है, हम देख रहे हैं आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी स्टूडेंट्स इनका काम क्या होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भैया आपको स्ट्रेटजी वीडियोस या फिर इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का काम क्या है, इनका काम ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो होते हैं जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन सबका नामकरण करते हैं। अभी इनके पास एक स्ट्रेटर्जी होती है, जैसे भैया कैसे स्ट्रेटर्जी बताते हैं आपको, इनके पास भी एक स्ट्रेटर्जी होती है। देखो सबसे पहली स्ट्रेटर्जी होती है प्रीफिक्स, क्या होता है प्रीफिक्स, फिर बाद में आता है पैरेंट, और फिर बाद में आता है सफिक्स। बहुत सही होने वाला है, अच्छे से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल टपू जेठालाल गड़ा, मालूम है क्या तुमको, ठीक है, जैसे कि टपू जेठालाल गड़ा, ठीक है, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, टिपेंद्र क्यों, प्रीफिक्स आया, पैरेंट कौन है उसका जेठालाल और गड़ा कौन है सफिक्स। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अपने ये साधे नाम होते हैं, ठीक है, अवर नेम होते हैं ना, अपने नाम भी कुछ इन्हीं पैटर्न में होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम, फिर मेरे पापा का नाम, और फिर लास्ट में मैं मेरा सरनेम लगाता हूँ, अडनाव लावतो मी शेवटीला, बरोबर बरोबर, ठीक है। इतका काल दादा आमला, आता पुढचा सांग, इसके बाद का बताओ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अभी स्टूडेंट्स कुछ आपको मैं रूल्स बता रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स रूल्स एकदम अच्छे से समझना। हेलोजन, हेलोजन विल बी ऑलवेज एट प्रीफिक्स। हेलोजन जो होगा वो हमेशा प्रीफिक्स में लगेगा। अभी आप बोलोगे भैया हेलोजन मतलब क्या, हमको नहीं मालूम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेलोजन 17वें ग्रुप में आता है, ठीक है, जैसे कि डैश क्लोरीन, डैश फ्लोरीन, डैश आयोडीन और डैश ब्रोमाइन या फिर ब्रोमीन। ये रूल्स लिख के रखो, ये हमेशा कहाँ पे लगेंगे स्टूडेंट्स, प्रीफिक्स में लगेंगे, प्रीफिक्स मतलब कि सामने। और अदर फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप पे भी आऊंगा, उसकी पीडीएफ है, अदर फंक्शनल ग्रुप्स एट सफिक्स। अदर फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगेंगे, सफिक्स पे। अभी अदर फंक्शनल ग्रुप कौन से, अल्कोहल हो गया, ठीक है, फिर अल्डिहाइड हो गया, फिर क्या हो गया सीओ मतलब कीटोन हो गया, फिर क्या हो गया COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी मैं लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा, एंड तक देखना सब समझ में आएगा।
ओके भैया, हमको इधर तक तो समझ गया, अभी एक आधा एग्जाम्पल दे दो जिससे हमको और अच्छे से समझ में आए। क्या सभी बच्चों को एग्जाम्पल दू? यस, क्या सभी बच्चों को एग्जाम्पल दू? एक बार मुझे चैट्स में बताना है। हाँ भैया, एग्जाम्पल ले लो जिससे कि हमको और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइजेस के भी एग्जाम्पल्स ले लेंगे फिर अपन फटाफट। एक बार एग्जाम्पल्स ले लू। हाँ चलो चलो चलो, यस एकदम अच्छे से देखो। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने फर्स्ट लिया CH3, CH2, CH2, Cl। ओके, अभी सबसे पहली चीज, जो भी पेरेंट है, पेरेंट मतलब कि पप्पा, ठीक है? जैसे टिपेंद्र का पप्पा कौन है? टिपेंद्र का पप्पा कौन है? जेठालाल, है ना? ठीक है बोलना भैया। उसी प्रकार से यहाँ पे पेरेंट कौन है? तो जो भी पेरेंट होता है स्टूडेंट्स, उस पेरेंट को ऐसा बॉक्स कर देने का, कर दिए। और जो फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच है, उसको आपने सर्कल कर दिया। ठीक है भैया, यहां तक हमको समझ गया? पप्पा को बॉक्स कर दिया और जो फंक्शनल ग्रुप लगाया उसको गोल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हेलोजन है या नहीं। अगर आप एग्जाम्पल को ठीक से गौर करोगे तो हाँ भाई, ये हेलोजन है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला हेलोजन में कौन कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ओके, क्लोरीन कितने नंबर? क्लोरीन देखो तो यहाँ पे क्लोरीन आया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? क्लोरीन का मैं लिखूंगा क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन का भैया क्या लिखेंगे? क्लोरो। पेरेंट क्या है? देखो एक दो तीन, तीन है तो तीन है मतलब ये देखो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन मतलब प्रोपेन हो गया। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? पप्पा का नाम मतलब प्रोपेन। अभी स्टूडेंट्स आपको इसमें देनी होती है नंबरिंग, ठीक है? नंबर देना होता है आपको इसमें। नंबर नंबर आप वहां से ही देते हो जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब एक तो हैलोजन होगा, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अमोनिया, सॉरी अमाइन, ये जो होंगे वहां से। तो इधर से सबसे नजदीक है या इधर से? देखो इधर से दूंगा तो दूर गिरेगा, तो इसलिए मैं नंबरिंग इधर से दूंगा 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-क्लोरोप्रोपेन। क्या सबको समझा? ओके भैया यार, और एक एग्जांपल दे दो, हमारा और एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ले लो ले लो। देखो यहां से मैंने लगाया CH2 और इधर से मैंने लगाया Br। CH2, CH2, CH3। सबसे पहले क्या करना है आपको? जो भी पेरेंट होता है जिसको हम पप्पा कहते हैं, उसको बॉक्स करने का। यस भैया कर दिया, चलो भैया बॉक्स कर दिए शाबाश। ओके, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको गोल कर दिया, सर्कल कर दिया भैया, बहुत बढ़िया। मेरे को बोलो फंक्शनल ग्रुप कहां से जुड़ा है? लेफ्ट से है, इधर से लेफ्ट, या फिर राइट से नजदीक है? लेफ्ट से नजदीक है। तो भैया किधर से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4। अभी मैं इधर से नंबरिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना उधर से जुड़ा हुआ जल्दी। अभी देखो कितने हैं? 1 2 3 4, चार है मतलब ब्यूटेन। तो चलो पप्पा का नाम लिख दो, लिखो पप्पा का नाम ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, और ब्रोमीन किसको लगाए? पहले कार्बन को लगाए, तो ये हो जाएगा 1-ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, हाइफन डालने का बीच में, और ये हो गया ब्यूटेन। क्या अभी सबको समझा? ये हो गया 1-ब्रोमो-ब्यूटेन, बहुत बढ़िया। चलो अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया वो थोड़ा ऊपर नीचे आता है ना, वो ऊपर नीचे वाला, ठीक है? ये चिल्लर तो समझ गया भैया, वो जो ऊपर नीचे वाला आता है वो कैसे करें? ठीक है, वो जो ऊपर नीचे वाला आता है, हाँ वो जो ऊपर नीचे वाला आता है वो कैसे करें? देखो CH3 इधर लगाया, CH इधर लगाया वापस, ब्रोमीन। एक काम करते हैं, ब्रोमीन नहीं लेते, आयोडीन लेते हैं, ठीक है? आयोडीन लेते हैं। ओके, इधर क्या लगाया? आयोडीन। इधर क्या लगाया? वापस CH2 और CH3। सबसे पहले तो भैया ने बोला है
कि भाई क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पप्पा को बॉक्स बनाओ। चलो पप्पा को बॉक्स बनाया, बना दिया पप्पा को बॉक्स, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको गोल कर दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो चार कार्बन है। पप्पा का नाम लिख दो, ब्यूटेन। शाबाश। अभी स्टूडेंट्स देखो, अगर मैंने इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 तीसरे कार्बन को फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, लेकिन अगर भैया ने इधर से किया तो दूसरे को आ रहा था, तो मैं इधर से करूंगा नंबरिंग। तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 आयोडो ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन। क्या सबको समझा? समझा होगा तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ भाई। ठीक है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे ऐसा नहीं करने का, फटाफट सब्सक्राइब करने का। ठीक है, आज मुझे इधर 83,000 सब्सक्राइबर दिखना मतलब दिखना, मेरे को मालूम नहीं है भाई, फटाफट सब्सक्राइब मारो। यस यस यस। देखो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी पता रहे हैं ऐसा थोड़ा पीछे ले लो और वापस देखो, समझ में आएगा। ठीक है, वापस रिपीट करने जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से कभी नहीं पढ़ा है मैंने, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। ओके, अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दू, खुद सॉल्व करोगे? यस, आपको एग्जाम्पल दू, खुद सॉल्व करोगे? फोर्थ वाला देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। CH3, CH2, CH, CL, CH2, CH3, आप सॉल्व करोगे? यस, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है मेरे को, मेरे लाला लोग क्या आंसर लिख रहे हैं फटाफट। यस यस यस, फास्ट फास्ट फास्ट, आंसर दो आंसर दो। व्हाई आर वी राइटिंग क्लोरीन एज अ क्रोमो? क्रोमो नहीं लिख रहे हैं नमूने, क्लोरो लिख रहे हैं, क्लोरो। अरे उनका टोपन नेम होता है वो, टोपन, वो रूल है, रूल है वो। क्लोरीन नहीं लिखते, ओ लगता है लास्ट में, आयोडो। जैसे अल्कोहल को ओ एल लगता है, अल्डिहाइड को ए एल लगता है, आऊंगा उस पर भी मैं। पहले इसका आंसर दे मेरे को, दिमाग लगाओ मत। हाँ, 3 क्लोरोप्रोपेन, क्या बात है भाई, प्रोपेन, अरे प्रोपेन कैसे रे, पेंटेन ना, क्या बात है क्या बात है। ये इसको बोलते हैं अपनी SBWB गैंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अपनी SBWB गैंग। ऐसा पूछा कि आंसर फेंके सामने, ऐसे पूछा कि आंसर फेंके। देखो सबसे पहले बॉक्स कर दिया, हाँ भैया बॉक्स कर दिया, आपने जो बोले थे आपका हुक्म सराखों पर, बॉक्स कर दिया भैया। नंबरिंग किधर से दिया? किधर से भी नंबरिंग दो, कुठुन पर नंबरिंग दिया, 1 2 3 4 5, इधर से भी दिया तो तीसरे को आएगा, उधर से भी 3 क्लोरो, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ऐसा लर्न करने का। देखो मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन एंडिकेन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन एंडिकेन, मिथेन मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन एंडिकेन। अरे भाई, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन एंडिकेन, ऐसा लर्न कर लेने का, ऐसा दिमाग में ऐसा फिट हो जाना। अरे भाई, भैया ने बोला है तो आंसर, IUPAC नेम पे मेरा लाला एक भी मार्क नहीं खोएगा, ये लेक्चर एंड तक देखेगा तो एक भी मार्क नहीं खोएगा। ये हो जाएगा भाई मेरे पेंटेन, ठीक है, ये हो जाएगा भाई मेरे पेंटेन, क्या बात है क्या बात है, बेंटेन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, अल्कोहल 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 मतलब दारू। ठीक है, अल्कोहल जो होता है स्टूडेंट्स, अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे भैया? अल्कोहल को ओएच बोल के पहचानने का, देखो नोट्स बना लो, नोट्स बना लो। देखो देखो, मैंने पहला रूल क्या बोला था, हेलोजन ही बस प्रीफिक्स को आएगा, बाकी के सब जो होंगे वो सफिक्स को लगेंगे, बाकी के सब जो होंगे वो सफिक्स को लगेंगे, बाकी के सब जो होंगे वो किसको लगेंगे, सफिक्स को लगेंगे। अच्छे से बता रहा हूं, प्लीज देख लो, तुम्हारा ही फायदा है रे भाई, फुकट में हो रहा सब। अल्कोहल देखो, अभी एकदम अच्छे से समझना, अल्कोहल
भैया आईयूपीएसी नेम में अल्कोहल को कैसे पहचाने? देखो, अगर किधर भी आपको डैश ओएच दिखा तो क्या दिखा, तो चैट में स्पैम हो जाना डैश ओएच, अरे वो याद रहता इसलिए मैं लिखने को बोलता, फटाफट लिखो डैश ओएच। अभी जब आप भी, अभी इसमें ध्यान में रखना एक रूल, जो भी पेरेंट होता है, पेरेंट को हम एज अ अल्केन कहते हैं, तो इसका जो ई होता है ना स्टूडेंट्स, ई जो होता है ई रिप्लेस हो जाता है, ई रिप्लेस होता है अल्कोहल में एज अ ओएल बोल के, मतलब कि ई के जगह पे एज अ ओएल लगाने का। समझेगा समझेगा, ठीक है, थोड़ा समय दो, समझेगा। देखो पहला एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH2, OH। सबसे पहला रूल हमको पप्पा को बॉक्स कर देने का और फंक्शनल ग्रुप को गोल कर देने का, मतलब दिमाग का तान चले जाता है, समझ में आता है। अभी लगे दिमाग की बत्ती जलना, अरे भैया ने OH बोला था, OH मतलब कि भाई अल्कोहल होता है और लास्ट में ओयल लगना चाहिए, पप्पा के लास्ट में ई निकाल के ओयल लगा देने का। देखो कितने कार्बन है, इधर से नंबरिंग देंगे, अभी नंबरिंग का तो खेल समझ गया होगा, 1 2 3, तीन है मतलब भैया क्या लिखेंगे, प्रोपेन। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर दी ना मैंने, ई नहीं लिखना था मेरे को, मेरे को ई नहीं लिखना था, मेरे को प्रोपेन लिखना था। अभी देखो प्रोपेन लिख दिया, इधर हाइफन देने का, वन लिखने का, 1 क्यूब पहले कार्बन को है और लगाने का ओयल, तो ये हो गया प्रोपेन वन ऑल, या फिर इसको आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। समझा समझा, और एक एग्जांपल देख, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक से देख, ठीक से देख, अच्छे से देख। सेकंड एग्जांपल ये देखो, CH3, CH, अभी नीचे लगाया OH, ओके देखो इसको कर दिया बॉक्स, इसको कर दिया गोल, किधर से भी जाओ नंबरिंग किधर से भी करो, दूसरे कोई चाहने वाला है फंक्शनल ग्रुप, भैया ने बोला था OH आया तो पप्पा का जो ई होगा, पेरेंट का जो ई होगा वो निकल जाएगा, ओयल लगेगा, वापस क्या आया, प्रोपेनिच आया, प्रोपेनिच आया, लेकिन अभी यहां पे दूसरा कार्बन है ना भाई, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या समझा, क्या समझा मेरे लाला लोग को, अरे भाई बोलो, क्या मेरे छोटे भाई बहन को समझ में आया ये? यस एवरीवन। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अरे ठीक है भाई तू बोलेगा तो जितना एग्जाम्पल बोलेगा उतना अपन सॉल्व करेंगे। एक काम करते, तुम्हारे एक्सरसाइज का ले लेते हैं ना, तुम्हारे एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं। देखो इसमें ओएच है क्या किधर, अरे ओएच नहीं है यार, चलो कोई ना, आगे बढ़ के देखेंगे अपन। इसका नाम दोगे, इसका नाम दो मेरे को, CH3, CH2, CH, चलो इसका नाम दो, इसका नाम दो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ बोलो ये रिश्ता क्या कहलाता है, अल्कोहल दिख रहा है, ओएच दिख रहा है, मतलब भैया ने बोला था अल्कोहल होगा, अल्कोहल आया तो पप्पा मतलब कि पेरेंट, पेरेंट का ई जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा ओएल से, बोलो 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 बोलो। पानी पी ले रहा हूं तब तक मैं। स्टूडेंट यार देखो तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, ये नहीं करना मेरे को। देखो 1 2 3 4 5, क्या बात है, दिस विल बी पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, क्या बात है, अरे वाह रे वाह, अरे 3 पेंटेन ऑल नहीं, 3 पेंटेन ऑल नहीं, मैंने पहले ही बोला तेरे को रिका में काम करने का नहीं, जैसा सिखाया वैसा ही आईयूपीएसी नेम वहां पे करके आने का, समझ में आया, क्या बोलते पब्लिक, समझे क्या, क्या बोलते पब्लिक, समझे क्या, जैसा बोला है वैसा ही करके आने का, खुद का दिमाग लगाने का नहीं, ओके। हाँ नेक्स्ट वाला है अल्डिहाइड, देखो
नेक्स्ट वाला है लाला लोग अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को भैया हम कैसे पहचानेंगे? अल्डिहाइड जरा गेम चेंजर है। अल्डिहाइड को आप पहचानते हो डैश CHO आया तो, और अल्डिहाइड में एक गफला क्या है मालूम है? इसमें जो पप्पा होते हैं ना, उस पप्पा का ई रिप्लेस हो जाएगा AL से। अल्कोहल में OL, इधर AL। एग्जाम्पल देखो CH3, CH2, CHO। अभी तुमको समझ जाना, भैया ने बोला था CHO आया मतलब अल्डिहाइड आया, अल्डिहाइड आया मतलब पप्पा लगेगा, पप्पा लगेगा तो ई निकलेगा, AL लगेगा। अभी स्टूडेंट इसमें घोल क्या है मालूम है? अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें सी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप सी से स्टार्ट होता है ना उनको हमको काउंट करना पड़ता है अगर वो स्ट्रेट चेन में होगा तो। नंबरिंग तो इधर से ही देना है, नंबरिंग तो इधर से ही देना है, लेकिन उसको भी गिनना पड़ेगा, समझे क्या? तो ये रूल है भैया, ये मैंने घर पे नहीं बनाया, ये रूल है। और ये रूल मैंने नहीं बनाया, ये जेनीवा में बन गया था। जेनीवा मतलब ये अलग देश में है, ठीक है? वहां पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाले बैठे थे मस्त मांडी डाल के, और मांडी डाल के बैठने के बाद अलग अलग रूल बनाए उनने। जैसे किलोग्राम कैसा, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, तो इंडिया में हो या फिर पाकिस्तान में हो या फिर अफ्रीका में हो या फिर युगांडा में हो, किधर भी जाओ तुम, वहां पे केजी मतलब 1000 ग्राम ही होता है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री भी ऐसी मांडी डाल के बैठे थे मस्त, चूड़ा व्यूड़ा खा रहे थे, और उन्होंने ये रूल बनाए, अपन ने घर पे नहीं बनाया, ठीक है ना? तो ध्यान में रखने का ये। ओके, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन वन अल, या फिर इसको आप लिख सकते हो प्रोपैनल। क्या सबको समझा? अरे अभी तो समझ गया भैया, अभी तो हम इसमें महारत हासिल करेंगे, ठीक है? SBWBOP इन द चैट्स, SBWBOP इन द चैट, ठीक है? ऐसा भर जाना पूरा, लाल समुंदर, पीला समुंदर, नीला समुंदर, हरा समुंदर कर दो, दिली दिल बरसाओ, बस चैटा में दिली दिल बरसाओ, SBWB दिल, SBWB दिल, चैट मारो, ऐसा समझो राहुल नेहा से चैटा मार रहे तुम। चलो नेक्स्ट वाला CH3, भैया ऐसा वो ऊपर नीचे वाला लो ना, ऊपर नीचे वाला, उसमें कंफ्यूजन होता है, ऊपर नीचे, ऐसा स्ट्रेट वाला आ जाता। देख इधर देख, CHO, CH2, CH3, एकदम अच्छे से सुनो। देखो स्टूडेंट्स, अभी इधर मैंने क्या बोला, स्ट्रेट चेन में ही अगर फंक्शनल ग्रुप आया तो उसको लेने का, नहीं तो नहीं लेने का, ऐसा गोल कर देने का। अभी इसको देखो, नंबरिंग किधर से करूंगा, 1 2 3 4। अभी आप बोलोगे भैया इधर से क्यों करे, इधर से क्यों नहीं करे? अरे इधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी नहीं आया ना, इधर से जल्दी आ रहा, तो जब जल्दी मिलेगा तो फायदा है कि नहीं, वैसा वाला सीन है। ओके तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे तो CHO रहेगा, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन ई निकल जाएगा, 2 AL, तो ब्यूटेन 2 AL। क्या सबको समझा? क्या सबको समझा? ब्यूटेन 2 AL, ब्यूटेन 2 AL, ठीक है? ब्यूटेन ना रे भाई, ब्यूटेन 2 AL। रुको रुको रुको, फरहात, यस देखो CH3, CH, CHO, CH2, 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 CH3, यस, फास्ट 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 स्टूडेंट यार, सब्सक्राइब करो भाई, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं करने का, सब्सक्राइब और लाइक करके जाने का, फटाफट, बोलने को लगाने का नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, टेंशन कहीं को ले रहे। हाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। अरे भाई मैंने पूरा प्लानिंग करके लाया, ये क्या सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तुम्हारे सामने, बनाएंगे ऑन दी स्पॉट बनाएंगे, ठीक है? पहले सब टॉपिक क्लियर होने दे, खापे क्या रहे। हाँ चलो करो, लो करो। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन, दूसरे को लगा है AL। सबको समझा ना अभी? यस
सबको उसी प्रकार से कीटोन, कीटोन को कैसे देखोगे, डैश सीओ डैश होता हो, ठीक है एक बार देख लेता हूं, डैश सीओ डैश, इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ये कीटोन होगा, ठीक है इसको आइडेंटिफाई करोगे तो ये कीटोन होगा, इसको अभी बीच में आया तो 1 2 3 तीन आया, मतलब प्रोपेन टू ऑन, समझा समझा, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अरे भैया क्या बात है। नेक्स्ट वाला CH3 CH2 CO CH3, इसको अभी ऊपर नीचे नहीं आता, कीटोन को ऊपर नीचे नहीं आता भैया, देखो नंबरिंग इधर से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप उधर से लगाए, ये क्या फंक्शनल ग्रुप, ये क्या फंक्शनल ग्रुप, ओके मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूटेन टू ओ, यानी अरे क्या बात है भैया क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो नेक्स्ट, और एक देखो CH3 CH2 CO CH2 CH3, देखो किधर से भी जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा, ये लो थोड़ा नीचे बनाता मैं, चलो किधर से भी जाओ, फंक्शनल ग्रुप नीचे है, 1 2 3 4 5 पांच है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन 3 O, यानी क्या समझा, एक एग्जाम्पल दू खुद करोगे, एक एग्जाम्पल दू खुद करोगे, देखो इसमें एग्जाम्पल क्या ही दू, अभी सिंपल वाले होते हैं, चलो थोड़ा लंबा खींच लेता हूं, ऐसा इतना बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन चलो नंबरिंग दो, आंसर सॉल्व करो, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक पे भी जाना है और अमाइन पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस विल बी हेप्टेन 4 O, यानी क्या बात है, अरे वाह भाई वाह, क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चा लोग, प्लीज मुझे एक बार चैट में बताओ, ये देखो जो भी बोल रहा है ना रिपीट करो, अरे लला तू ऐसा करना, डायरेक्ट ऐसा पीछे करने का इसको देख, तू फिर डायरेक्ट स्टार्टिंग में जाएगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट में जाएगा तू, डायरेक्ट ऐसा पीछे करने का। अभी हम जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे, COH, और इसको फंक्शनल ग्रुप लगेगा ऑइक एसिड, क्या लगेगा ऑइक एसिड, देखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला CH3 CH2 CH2 COOH, 1 नहीं इधर से नहीं, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑइक एसिड, या फिर इसको आप लिख सकते हो ब्यूटेनॉइक एसिड, क्या बात है क्या बात है भैया, आपने तो धागा खोल दिया यार, ठीक है हमको लगता था IUPAC हार्ड है, अरे तू मेरे से नहीं सीखा ना केमिस्ट्री, प्रॉब्लम वो हो गया तेरा। ओके CH3 CH2 CH COOH CH2 CH3, किधर से भी करो नंबरिंग, 1 2 3, 1 2 3 4, बोलो गणपति चा जय जयकार, क्या बात है, पांच इसको लगाए फंक्शनल ग्रुप, ये है अपना पेरेंट, ठीक है तो पांच है, तो पांच है मतलब पेंटेन, तीसरे को लगाए 3 पेंटेन 3 ऑइक एसिड, ठीक है पेंटेन 3 ऑइक एसिड, सब में रूल एक ही है, बस रूल चेंज किसके लिए हुआ था, रूल चेंज किसके लिए हुआ था, हेलोजन के लिए हुआ था, अरे भाई चलो ध्यान दो, इसका आंसर दो मेरे को, चलो फास्ट बच्चा लोग फास्ट फास्ट फास्ट, ऐसा नहीं होना मेरे को, 1 2 3 4 5 चेक करो खुद का आंसर, पांच है मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन टू ऑइक एसिड, फ्रेंड्स पहला वाला IUPAC नेम देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए वाला,
क्या है सी एच थ्री तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। स्टूडेंट इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। समझा? यस यस करते जाओ, एस एस लिखने का बस चैट में। नेक्स्ट बी वाले पे जाएंगे, ये बी वाला देखो क्या है, सी एच थ्री सी एच, अभी वो ऐसा इधर हाइफन नहीं दिया उनने तो मतलब ऐसा नीचे ओ एच होता है और सी एच थ्री, अभी तो क्या था वन टू थ्री, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तीन मिथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन टू ऑल। समझा? समझने को ही चाहना, स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा तो समझेगा, बीच में से टपका होगा तो नहीं समझेगा। सी वाला सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच, इधर से वन टू थ्री, तीन है मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन थ्री ऑइक एसिड। क्या बात है, क्या बात है, अमोनिया का सॉरी अमाइन का अमाइनिज लगता डायरेक्ट, अमाइन का अमाइनिज लगता डायरेक्ट, तो उसका टेंशन नहीं। फोर्थ वाला देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, ये देखो अमाइन लगा, दो कार्बन है वन टू, इथेन वन अमाइन या फिर इथेना अमाइन ऐसा भी लिख दो तो भी चलेगा, इथेना अमाइन या फिर इथेन वन अमाइन। क्या सबको समझा, क्या सबको समझा? अरे यार मैं खुद को छोटा कर दूं क्या, खुद को छोटा कर दूं क्या? अभी वो अपने पास सॉफ्टवेयर, हाँ रुको, कितना छोटा करूंगा मैं खुद को, बस क्या फिर दिखता नहीं रे मैं। रुकने का नहीं, रुकना मना है भैया के लेक्चर में, ठीक है रुकना मना है, रुकेगा नहीं साला। सी एच थ्री सी एच ओ वन टू, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, इथेन वन ऑल। क्या बात है भैया, आपने पढ़ा दिया भाई, एकदम खतरनाक सीन हो गया, हमको सब आ गया, ये भी पढ़ाया था सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच थ्री वन टू थ्री फोर, चौ दूसरे को लगाए सी ओ, सी ओ मतलब कि कीटोन, कीटोन को लगता ओ एन ई, पप्पा का ई निकाल के, ये हो गया ब्यूटेन टू ओ एन ई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जो भी बच्चा ये लेक्चर नहीं देखेगा ना भाई आईयूपीएसी नेम के लिए, बहुत रिग्रेट करने वाला है। यस और नो बच्चा लोग मेरे को चैट में बताओ, करेगा या नहीं करेगा भाई? आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लेकिन करो। बॉटल भी बहुत बड़ा दे दिया। चलो क्या बात है, बोला भैया ये तो जम गया, ऐसा स्ट्रक्चर बना के बताओ हमको जरा, स्ट्रक्चर तेरे लिए स्ट्रक्चर भी बना देते, कौन सी बड़ी बात है भाई, ठीक है तेरे लिए स्ट्रक्चर भी बना देते, हाँ तेरे लिए स्ट्रक्चर भी बना देते। देखो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर में जाएगा, देखो पहला नाम क्या है, पेंटेन टू ओ एन ई, पेंटेन मतलब मालूम चाहिए तुमको, सी एच थ्री पांच कार्बन, ओ दूसरे को ओ एन ई, फिर सी एच टू फिर सी एच टू फिर सी एच थ्री, हो गया क्या नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव, दूसरे को ओ एन ई, ये देखो आया क्या नहीं, आया क्या नहीं, क्या बात है, क्या बात है भैया, एकदम फटाफट बता रहे हो आप। सेकंड वाला टू क्लोरो ब्यूटेन, दूसरे को क्लोरीन अटैच है और ब्यूटेन, तो ब्यूटेन पहले तो चार कार्बन वन टू, दूसरे को लगा है क्लोरीन सी एच टू सी एच थ्री, क्या बात है भैया, ये देखो वन टू थ्री फोर, हो गया काम खत्म। भैया तीसरे का बताओ, तीसरे का क्या है, प्रोपेन टू ऑल, ए भाई मैं देख रहा नहीं है, नहीं तो बोलोगे देखो इधर तुम्हारा टेक्स्ट बुक का है, हाँ नहीं तो और बोलोगे भैया देख रहे हो तुम क्या है, देखो प्रोपेन टू ऑल है,
ठीक है, तुम बोलोगे नहीं तो भैया आप नीचे देख के, मेरे को दो तीन कमेंट आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता है। प्रोपेन टू अल, प्रोपेन टू अल, तो देखो प्रोपेन लिखने का, ये हो गया मिथेन, ये हो गया ब्यूटेन, इथेन, इसको लगा OH और ये लगा CH3, समझा? तो ये हो गया प्रोपेन टू अल, मालूम नहीं आता बोल के। देखो टू क्लोरो ब्यूटेन, देखो स्टेप समझ के रखो, ठीक है स्टेप समझ के रखो। सबसे पहले ही देखो ये तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, पेरेंट तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ब्यूटेन है। तो देखो सबसे पहले चार कार्बन बनाने के, 1 2 3 4, दूसरे को क्लोरीन है तो ऐसा दूसरे को क्लोरीन लगा देने का, ये तो आएगा आएगा भैया। दिमाग में रखने का स्टूडेंट्स कि हर एक कार्बन को चार जन जुड़ना चाहिए, तो देखो 1 2 3 4, वापस से 1 2 3, नीचे पहले से एक 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये हो गया CH3, ये हो गया CHCl, ये हो गया CH2 और ये हो गया वापस से CH3, समझा क्या अभी? यस, अभी समझा कैसे किया भैया ने? बोलो रे, बोलते जाओ। देखो अभी समझा, ये देखो ये ऐसा लिखा फिर मैंने, समझा सिंपल। चलो और एक करके बताऊं, पेंटेन टू ओ यानी देखते हैं उसका कैसे लिखोगे। फर्स्ट वाला था ना पेंटेन टू ओ यानी, ठीक है पेंटेन टू ओ यानी, ये कैसे करेंगे भैया? पेंटेन टू ओ यानी का ध्यान में रखो, पेंटेन मतलब कि पांच, 1 2 3 4 5, दूसरे को ओ एन है मतलब कि सीओ लगा देने का, खत्म, इधर ही खेल खत्म। CH3 फिर 1 1, CH2 CH2 CH3। चलो भाई हो गया, समझ गए क्या था? प्रोपेन टू ऑल ही था ना, ये देखो प्रोपेन है, टू है और ऑल है। प्रोपेन बनाया भैया ने 1 2, देखो देखो देखो, दिमाग में डाउट लेके मत जाओ बस। देखो हाँ, स्ट्रक्चर और कंडेंस दोनों बनाता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखो 1 2 3, 3 क्यूब प्रोपेन है, दूसरे को क्या है ओयल, तो दूसरे को लगाया OH। 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं है रे, राइट लिखा मैंने, मैं क्या बोल रहा, गलत हो ही नहीं सकता है बेटा, केमिस्ट्री में भैया का हाथ नहीं पकड़ सकता है कोई, ठीक है ना? हाँ ये चीजें ध्यान में रख लेना भाई, ओके केमिस्ट्री में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। CH3 CH OH CH3। आपने डाइजेस्ट में देखा होगा तो हुआ होगा, ठीक है आपने डाइजेस्ट में देखा होगा तो हुआ होगा, ओके क्या सबको समझा? बोलो फटाफट चैट में लिखो। यस यस यस, ओके हाँ क्या बोले? हाँ ये देखो भाई तुमको क्या बोलना अभी, तुमको सब चीजें ये देख देख रहे भाई मेरे, ठीक है देख ले, देख लो ना देख लो ना बेटा, अपने पास सब है रे, ये देख आया के नहीं बरोबर, आया के नहीं बरोबर, आया के नहीं बरोबर।